नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन में। आज हम बात करने वाले कि आप किस तरह से आपकी वीडियो को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, अगर आप एक यूट्यूबर है साथ साथ यहाँ पे आप एक ब्लॉगर है, तो आप अपने वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप एक ब्लॉग चला सकते हो। तो आज की मैं आपको पूरी डिटेल में सिखाऊंगा आप किस तरह से ये कर सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, और यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वीडियो को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए गूगल क्रोम ब्राउज़र, तो इसकी मदद से यहाँ पे आसानी से आप किसी भी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं गूगल क्रोम ओपन कर देता हूँ, और आपको अब क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम दो मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक मैन्युअली वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे हम एक वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देख लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यही है कि आपकी वीडियो में जो वॉइस की जो स्पीड है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से वर्क करता है, यानी कि 70% आपकी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे हम ये बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ओपन करना है गूगल। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए मेनू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ओपन करना है गूगल ड्राइव। तो देखिए, यहाँ पे गूगल ड्राइव ओपन हो चुकी है। जैसे गूगल ड्राइव ओपन होते ही यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं गूगल डॉक्यूमेंट का, यानी कि गूगल डॉक्स का। तो यहाँ पे आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स चूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पे गूगल डॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र ही होना चाहिए। तो रीज़न यही है कि देखिए, यहाँ पे मैं आपको मोज़िला फायरफॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने गूगल डॉक्स ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे आप टूल में जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक टूल इनविजिबल दिखाई देगा, वॉइस टाइपिंग। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गूगल में सर्च किया इस टूल के बारे में कि मोज़िला फायरफॉक्स में ये क्यों नहीं वर्क करता। तो यहाँ पे गूगल के कंट्रीब्यूटर का कहना है कि यहाँ पे ओनली गूगल क्रोम ब्राउज़र में वर्क करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, टूल्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा वॉइस टाइपिंग, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम माइक्रोफोन की मदद से जो वॉइस है इसे यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले आपके कंप्यूटर में यहाँ पे माइक्रोफोन अटैच होना चाहिए। यहाँ पे माइक्रोफोन नहीं है तो यहाँ पे आपका जो हेडफोन यहाँ पे कनेक्टेड है तो भी चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे माइक पे राइट क्लिक करके रिकॉर्डिंग डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर स्पीच रिकॉग्निशन। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेटअप माइक्रोफोन। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सोच करना है कि आपने आपके कंप्यूटर के साथ क्या अटैच करके रखा है, या तो अटैच करने वाला हो। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ हेडफोन। तो देखिए, यहाँ पे हेडफोन अटैच कर दिया। इसके बाद आपको सोच करना है हेडफोन, इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चेक करना है, जब तक यहाँ पे आप अपने माइक्रोफोन को ट्रेस नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट बटन जो विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में है, और यहाँ पे मैं टेस्ट कर लेता हूँ। हेलो, दिस इज़ अ टेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो बटन एनेबल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको फिनिश करना है। तो यहाँ पे आपका काम हो चुका है। इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे आपको एरर आएगी माइक्रोफोन की। तो इसलिए यहाँ पे आप सबसे पहले आपको ये टेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हम जो कुछ टाइप करने की ट्राई करते हैं वॉइस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की। तो देखिए, यहाँ पे मैं अब कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको टाइप करने से पहले यहाँ पे आपको माइक्रोफोन के आइकन पे क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। है फ्रेंड, दिस इज़ भरत हियर फ्रॉम vivoom.com। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पे लास्ट में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं अब आप स्लो स्पीड में बोल के बताता हूँ। वेलकम फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वेबसाइट। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेलकम फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वेबसाइट। तो ये था इंग्लिश वर्जन। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज टाइप करो आपकी वॉइस की मदद से, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको माइक्रोफोन के ऊपर लैंग्वेज चूज़ करनी है, और यहाँ पे आपको चूज़ करनी है हिंदी। तो देखिए, यहाँ पे आप किसी भी भाषा में बोल सकते हो।
तो यहाँ पे मैं सोर्स कर लेता हूँ। इसके बाद आपको देखिए टाइप करने से पहले यहाँ पे आपको माइक्रोफोन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको टाइप करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके कंप्यूटर में से जो आपने रिसेंटली हेडफोन अटैच किया था इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। तो जैसे आप हेडफोन रिमूव करते हो, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी ये जो वॉइस की स्पीड पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने पर्सन जो अच्छी तरह से टाइप करता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इस विंडो को यहाँ पे हम मल्टी विंडो में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं किसी भी वीडियो को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम हमारी एक वीडियो ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरी बोलने की स्पीड है वो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 50% कम्प्लीट होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपकी वीडियो में यहाँ पे जो आपकी बोलने की स्पीड बहुत ही स्लो है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम वीडियो को पॉज कर देते हैं और यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं ये वाला विंडो। तो देखिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे इसे इनेबल रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए हम वीडियो पर जाते हैं और यहाँ पे, तो देखिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पे आपके जो आपका माइक्रोफोन है वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप अपने विद इन कंप्यूटर में किसी भी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आपके माइक पे क्लिक करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिवाइस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे टीरियो मिक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके शो डिसेबल डिवाइस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए इस पर राइट क्लिक करके इसे क्या करना है, सेट डिफॉल्ट डिवाइस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो डिवाइस हो गया। और यहाँ पे ये विद इन कंप्यूटर आपके वॉइस को यहाँ पे ये कैप्चर करके और यहाँ पे टाइप करेगा। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी वॉइस की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह से कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसे रिकॉर्ड को स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने, और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, और यहाँ पे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से 60% कम्प्लीट हुआ है। बीच में देखिए यहाँ पे अकाउंट के साथ लिंक होना या नहीं, यहाँ पर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी जो वॉइस है इसकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितनी फास्ट और कितनी पर्सन आपकी वॉइस को जो यहाँ पे कैप्चर करता है और इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे स्लो स्लो बोलते हैं तो यहाँ पे पूरी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके इसी टेक्स्ट को आप अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड करके आसानी से यहाँ पे ब्लॉग चला सकते हो। तो बस यहाँ पे आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, और यहाँ पे मैं आशा रखता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।